सो माई यूट्यूब फैमिली, तो आप फोटो को देख ही पा रहे स्क्रीन में। तो आज आपको कुछ ही टाइप का फोटो एडिट करना सिखाऊंगा, वो भी लड़की के साथ। देख सकते हो मेरे भाइयों, जो फोटो ने वो कितना ऑसम लग रहा है। अगर आप इस वीडियो को बिना इसके फुल वॉच कर लोगे ना, तो बिल्कुल आप भी ऐसा फोटो एडिट करना सीख जाएंगे। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बता दूंगा कि PNG बैकग्राउंड आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, और हमारा रियल फोटो को भी देख सकते हो मेरे भाई, वो कुछ ही टाइप का है, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड हमने पहले ऑलरेडी रिमूव कर रखा है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है मेरे भाइयों, तो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप वन क्लिक में अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएंगे कुछ ही टाइप से, देख सकते हो, ठीक है मेरे भाइयों। तो ये PNG लड़की वाला, ये भी बता दूँ मैं कहाँ से डाउनलोड करना है। तो यार कर लेते हैं वीडियो स्टार्ट, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर देना वीडियो को लाइक। चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और पास में घंटी ना उसको भी ऑल में सेलेक्ट कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो सो गाइस, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सआर्ट, ठीक है मेरे भाइयों। तो पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, और अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं कर रखा है तो मेरे भाइयों प्ले स्टोर से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है। इसको आप जैसे ओपन करोगे ना, तो आपको प्लस वाला आइकन देने मिलेगा नीचे की तरफ, प्लस में क्लिक कर लेना है। और प्लस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देने लगा एड फोटो, ठीक है मेरे भाइयों, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। इसमें जैसे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैं पहले बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, ठीक है गाइस। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो कुछ ही टाइप का बैकग्राउंड है, ठीक है मेरे भाइयों। तो बैकग्राउंड लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फोटो को आपने बैकग्राउंड रिमूव किया था ना, उस फोटो को स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, और आपको यहाँ पर एड फोटो में क्लिक कर लेना है। और एड फोटो में क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसी फोटो को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो ऐसे मैं फोटो को भी ले लेता हूँ, और जो लड़की वाला PNG उसको भी यहाँ से मैं ले लेता हूँ गाइज। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हो जो हमारा फोटो है और वो लड़की वाला फोटो ने, वो दोनों हमने ले लिया। और लेने के बाद अपने फोटो को पकड़ कर इस प्रकार से बड़ा कर लेना, देख लेना। और जो लड़की वाला फोटो है उसको भी पकड़ कर ये ऐसे सेट कर लेना कुछ इस टाइप से, देख लेना मेरे भाइयों, ठीक है इस टाइप से आपको। और अपने फोटो को भी इस टाइप से रख लेना है, देख सकते हो बिल्कुल रियल टाइप ही लग रहा है ना, तो कुछ ही टाइप का उसको रख लेना है, ठीक है मेरे। रखने के बाद क्या करना पड़ेगा, देख सकते हो हमारा जो फोटो है वो थोड़ा बहुत ब्लैक है, तो इसको वाइट करेंगे। तो अपने फोटो में आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, और आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। कैंची वाले के पास देखने मिलेगा आपको ये वाला ऑप्शन, इसमें आपको जाना है मेरे भाई। जाने के बाद आपको फर्स्ट में ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस को यहाँ से बढ़ा लेना है हल्का सा, देख सकते हो जैसे ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ तो गोरा हो गया ना, तो इस प्रकार से आपको ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है, ज़्यादा नहीं बढ़ाना, थोड़ा बहुत, ठीक है मेरे भाई। इतना हो जाने के बाद फाइनली स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, आने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से माइनस कर लेना है, देख सकते हो इसको यहाँ से माइनस कर लेता हूँ मैं मेरे भाइयों, यहाँ से 45 माइनस कर लेता हूँ, और फाइल यहाँ से मैं राइट कर लेता हूँ, ठीक है। राइट करने के बाद कुछ ही टाइप मेरा फोटो हो जाएगा। होने के बाद फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जाना है टूल्स वाला आइकन में, टूल्स में क्लिक कर देना है, और आपको रिसाइज में जाना है मेरे भाइयों। रिसाइज में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखने मिलेगा 1080, इसमें क्लिक करने के बाद इसको डिलीट कर देना है, और डिलीट करने के बाद आपको यहाँ से 2829 लिख लेना है। लिखने के बाद आपको रिसाइज में क्लिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। रिसाइज में क्लिक करने के बाद इससे क्या होता है गाइस, हमारा जो फोटो है वो HD हो जाता है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद फाइनली आपको ऐसे डाउनलोड में क्लिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। डाउनलोड में क्लिक करने के बाद हमारा जो फोटो है वो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ से जाते हैं गैलरी को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर आ चुका है हमारा फोटो फर्स्ट में। आने के बाद आपको शेयर वाला आइकन में क्लिक कर लेना है, और शेयर वाला आइकन में क्लिक करने के बाद इस फोटो को आपको शेयर कर लेना है यहाँ से स्केचबुक के एप्लीकेशन के अंदर। पेज स्मूथ करेंगे तो इसके अंदर आप फोटो को शेयर कर लेना है। फाइनली गाइस देख सकते हो हमारा फोटो आ चुका है। आ जाने के बाद कुछ नहीं करना आपको, लड़की वाला फोटो है उसमें आपको कुछ नहीं करना, और अपना ओनली अपने जो पेज है उसको स्मूथ करना है, ठीक है मेरे भाई। जूम कर लेना इस प्रकार से, जूम करने के बाद आपको यहाँ जाना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ जाने के बाद आपको लाइब्रेरी ओपन कर लेना है, तो अभी ऑलरेडी लाइब्रेरी ओपन है, तो आप लाइब्रेरी ओपन कर लेना है। जैसे आप लाइब्रेरी ओपन करोगे तो इसको डाउन करके नीचे की तरफ आओगे ना, तो आपके सामने कुछ प्रकार के ब्रश देखने मिलेंगे स्मूथ, इनमें से आपको ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर देना है, ठीक है मेरे भाइयों। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग देने लगा ऊपर की तरफ, सेटिंग में जाना है, और जैसे सेटिंग में जाओगे ना आप, तो यहाँ अच्छी तरीके से समझ लेना, ताकि आपको बार बार स्मूथ करने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है मेरे भाइयों। जो बीच वाली लाइन है इसको दो रख लेना है, और इसको नीचे वाले को 17, और जो ऊपर वाली है ना इसको अभी मैं रख लेता हूँ यहाँ से, कम ज़्यादा इसको करना है ऊपर वाले को, ठीक है। तो इसको मैं रख लेता हूँ 20.8, और यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ, ठीक है। कम ज़्यादा इसको करना है मेरे भाइयों, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ से कट कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, और जूम करने के बाद कुछ प्रकार से स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। तो मैं ब्रश की साइज़ को थोड़ा बहुत बढ़ा लेता हूँ ऊपर वाली को, और इस प्रकार से कट करके जूम स्मूथ कर लेता हूँ। तो देख पा रहे हो स्मूथ हो रहा है, तो कुछ टाइप से आपको स्मूथ कर लेना है मेरे भाई अच्छी तरीके से, ठीक है। जूम करके अच्छी तरीके से आपको स्मूथ कर लेना है अपने पेस को, ज़्यादा भी नहीं करना, थोड़ा बहुत
स्मूथ कर लेना ताकि हमारा जो पेशन वो अच्छा लगे, ठीक है मेरे भाइयों। तो इस प्रकार से मैं स्मूथ कर ही लेता हूँ, देखते हो आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ हो पा रहा है। तो आपको कुछ प्रकार से स्मूथ कर लेना अपने पेस को, ठीक है। तो देख पा रहे हो मेरे भाइयों स्मूथ हो चुका है, ठीक है। स्मूथ हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, इस फोटो को आपको 3 डॉट देने मिलेगा, 3 डॉट में क्लिक कर लेना है और शेयर वाले आइकन में क्लिक करके इस फोटो को आपको लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ले जाना है गाइज। तो यहाँ से आप जैसे फोटो को शेयर करोगे ना लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, तो स्क्रीन को ऐसे स्क्रॉल करना ऊपर की तरफ से नीचे, और यहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है, देखते हो लाइटरूम एप्लीकेशन का, ठीक है मेरे को देखने के लिए मिला नहीं। तो इसमें आपको सीधा क्लिक कर लेना है, सीधा क्लिक करने के बाद आपके सामने लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर ऑल फोटो में क्लिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाइयों। तो ऑल फोटो में जैसे क्लिक करोगे तो फर्स्ट में हमारा फोटो आ चुका है, ये देखते हो मेरे भाइयों, ठीक है। तो मैंने इसमें क्लिक कर लिया, और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल करना नीचे की तरफ, और आपको यहाँ जाना है कलर वाले ऑप्शन में, सीधा आपको कलर में क्लिक कर लेना है। और कलर में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से मिक्स में जाना है, और मिक्स में जाने के बाद मेरे भाइयों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर देना है, 2 नंबर में मिलेगा ऑरेंज कलर। इसमें क्लिक करने के बाद जो नीचे वाली लाइन है इसको आपको प्लस कर लेना है यहाँ से, देखते हो जैसे प्लस किया हमारे पेस में चमक आ गया, और लड़की वाले पेस में भी चमक आ गया। तो इसको मैं 51 प्लस कर लेता हूँ, ठीक है मेरे भाइयों। फिर आपको यहाँ से फर्स्ट वाला जो रेड कलर है ना सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद इसको आपको देखते हो इसको मैं कर लेता हूँ प्लस, और इसके नीचे वाले इसको आपको प्लस 18, और इसके नीचे वाले इसको आपको रख लेना है प्लस 11, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस वाले कलर में क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे भाई। इसमें क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाली लाइन है मेरे भाई, इसको आपको यहाँ से देखते हो कलर मैचिंग हो रहा है ना, तो इसको आपको इधर कर लेना है प्लस 68, और इसको नीचे वाले को इसको पूरा शो कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद फाइनली आपको इस वाले कलर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखते हो इसको जैसे मैं इधर कर रहा हूँ ना, कलर चेंज हो रहा है ना अपने बैकग्राउंड का, तो आपको जैसा कलर अच्छा लगे ना मेरे भाइयों तो वैसा कर लेना है। तो मेरे को ये अच्छा लग रहा है एक कलर, ठीक है ये कलर अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं प्लस 12 कर लेता हूँ, और उसके नीचे वाले ने इसको मैं प्लस 36 कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद फिर आपको इस वाले कलर में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाली लाइन गैस इसको आपको यहाँ से माइनस प्लस कर लेना है, देखते हो माइनस किया है ना जैसे, तो लड़की वाला कपड़ा है ना इसमें कलर चेंज हो गया, तो हम ब्लैक करेंगे, तो इसको आपको पूरा 100 माइनस कर देना है, और इसके नीचे वाले इसको आपको पूरा 100 माइनस कर लेना है, देखते हो गाइस दोनों कपड़ा ब्लैक हो चुका है ये देखते हो, ठीक है मैडम। ब्लैक हो जाने के बाद फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे नीचे वाला कलर है ना इसमें आपको क्लिक करने के बाद इसको आपको माइनस कर लेना है, देखते हो जैसे माइनस किया कलर मैचिंग हो गया ना, तो इसको माइनस कर लेना है 36, और फिर इस वाले कलर में क्लिक कर लेना है जो बीच वाले, इसको आपको माइनस कर लेना है, देखते हो इसको आपको माइनस कर लेना, माइनस ब्राउन में कर लेना, और फाइनली यहाँ से डन में क्लिक कर लेना है। डन में क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, और इस वाले कलर में क्लिक करके इसको बढ़ा लेना है, ठीक है इसको यहाँ से बढ़ा लेना है 41 प्लस। इतना हो जाने के बाद फाइनली आप जाने यहाँ से बैक आने के बाद लाइट में क्लिक कर देना है आपको। लाइट में क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, और आपको नीचे की नीचे आपको नीचे की तरफ देखने मिलेगा ब्लैक्स, ब्लैक्स को आपको थोड़ा बहुत बढ़ा लेना है, देखते हो इसको माइनस भी कर सकते हो, माइनस नहीं करना है इसको, बढ़ाना है प्लस 8, ठीक है भाई। इतना हो जाने के बाद शेडोज में क्लिक कर देना है, और शेडोज को भी आपको यहाँ से हल्का सा माइनस कर लेना है माइनस 30। इतना हो जाने के बाद हम आ जाएंगे ऐसे बैक आने के बाद स्क्रॉल करके इधर आ जाना है। आने के बाद आपको इफेक्ट में क्लिक कर देना है मेरे भाइयों, इफेक्ट में क्लिक करने के बाद दूसरे में क्लैरिटी, क्लैरिटी को यहाँ से इंक्रीज कर लेना है, स्क्रॉल कर लेना है यहाँ से 39 प्लस, फिर ठीक है 39 प्लस हो जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करना, और आपको इस वाले ऑप्शन में क्लिक करके इसको माइनस कर लेना है यहाँ से, ज़्यादा नहीं करना इसको माइनस 48 कर लेना है। इतना हो जाने के बाद हम आ जाएंगे ऐसे बैग आने के बाद आपको सीधा करना है डिटेल्स में क्लिक, डिटेल्स में क्लिक करने के बाद मेरे भाई फर्स्ट में शार्पिंग इंक्रीज कर लेना है यहाँ से 50 प्लस कर देना है, और नीचे स्क्रॉल करना, ज़्यादा नहीं करना थोड़ा बहुत, और मार्किंग और निवास ये दोनों को आपको यहाँ से बढ़ा लेना है, इसको रख लेना है यहाँ से मार्किंग को 50 कर देना है, और इसके नीचे निवास इसको बढ़ा लेना 50, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम आ जाएंगे ऐसे बैग आने के बाद इस वाले ऑप्शन में क्लिक कर लेना है यहाँ से, इसमें जैसे क्लिक करोगे ना ये दोनों को आपको इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करोगे ना गाइस तो हमारा फोटो एडिट हो चुका है, जूम करके दिखा दो तुमको कितना हार्ड हमारा जो फोटो ना वो बन गया मेरे भाइयों लड़की के साथ, जूम करके दिखा दो देखते हो बिफोर एंड आफ्टर देखते हो मेरे भाइयों, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है आपको यहाँ पर शेयर वाले आइकन में क्लिक कर लेना है, शेयर वाले आइकन में क्लिक करने के बाद आपको सेव टू डिवाइस में क्लिक करना है, गैलरी में सेव जाएगा। तो सो गाइस डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, PNG और बैकग्राउंड आपको कहाँ से डाउनलोड करना है गाइस ये भी मैं बता दूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से अगर आप इजी से डाउनलोड कर पाएंगे। आई होप कि गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, वंदे मातरम।